मुआवजा ट्यूनिंग के लिए आता है। जैसे गाड़ी जाती है ना हर 6 महीने बाद 50,000 की गाड़ी चल के जाती है, ऑयल चेंज होता है, फिल्टर चेंज होता है, रोजा भी ऐसे ही है। रोजा मेरी ट्यूनिंग के लिए है, साल में एक दफा ही आता है, ट्यूनिंग करता है मेरे पूरे स्ट्रक्चर को सही करने के लिए, मेरी सोचों को मुतमरकज करने के लिए है, ताकि मैं रोजे में जो परवाजें उड़ती हुई मेरे जहन के अंदर आ रही है ना उनको भी मैं रोकूं। गलत बात नहीं, रोजा है मेरा, मैं क्यों सोच रहा हूं। तो ये जो प्रैक्टिस आप कर लेंगे तो ये खुद ब खुद गाड़ी जो है वो फिर 11 महीने चलती रहेगी और सही चलती रहेगी। और हमारे पास तो वैसे भी अल्लाह ने बहुत ऑप्शन दिए हैं, माह रमजान के बाद फिर अय्याम है, गदीर है, फिर मुहर्रम और सफर है, यानी हमें तो शुक्र करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें ऐसे मकतब से जोड़ा हुआ है कि बहरहाल वाज और नसीहत जो है वो चलती रहती है। और ये वाज नसीहत ना हो तो इंसान वाकई इंसान कहाँ से कहा शेख नहीं तहरी रिजवान अल्लाह ताला ले कि आपकी सलावत उनके दर्जात में इजाफा करे। शहीद मुतहरी फरमाते थे कि हम जब दर्स अखलाक देते थे इमाम खुमैनी का और वो बुध को होता था तो जुमेरात आती थी, जुमा आती थी तो हल्के हल्के हम दोबारा दुनिया की तरफ माइल होना शुरू हो जाते थे। जैसे ही इतवार पीर आती थी तो ऐसा लगता था कि दुनिया के शख्स हो गए हैं दोबारा, और दोबारा बुध आ जाती थी, अगर ना आती तो ऐसा लगता था हम हलाक हो जाएंगे। शहीद मुतहरी मुतफक्कर इस्लाम ऐसी बात कर रहा है। हमारी जिंदगी में कहाँ है दर्स, वास कहाँ है, नसीहतें कहाँ हैं, जबकि मौलाए कायनात खुद कह रहे हैं कुमैल को, कुमैल वास करो, कान सुनना चाहते हैं, कान सुनना चाहते हैं। हमारी जिंदगी में वास नहीं है। चार नसीहतें मजलिस पढ़ने लोग कह रहे हैं कि मजलिस पढ़ने आए थे मौलाना साहब, नसीहतें करने आए थे मौलाना, अपने घर से तो नसीहत लेके नहीं आया भाई। काला इमाम सादिक, काला इमाम बाकर, काला मीरुल मोमिनीन है, वही है दुरूद भेजने मोहम्मद वाले। देखें जो अकीदा मेरे जाहिर को सही ना कर सके वो मेरे बातिन को क्या करेगा। जिस अकीदे में भी हम हो वो कम से कम हमारा जाहिर तो सही करे, कम से कम को मुझे दूर से देखे तो बोले हाँ अली का शिया आ रहा, पता चले। छठे इमाम ये कहते हैं तुम हजारों में रहो तो तुम अलग से नजर आओ क्योंकि तुम हमारे शिया हो, हमारे लिए जीनत बनो।